नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जो कि है हमारे पास पप्पूस फार्मूला। तो पप्पूस फार्मूला हमारे पास आ गया है, नाम बहुत ही ज़्यादा फनी सा है लेकिन ये फार्मूला यूज़फुल है एंड ये आता है, ठीक है ना। तो पप्पूस फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक नॉन ओवरलैपिंग हमारे पास क्या है प्लेन्स का एक रीजन होता है जैसे P1 और P2 का, जिसका हम लोग यूनियन लेकर ये पप्पूस फार्मूला को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो C1 और C2 है वो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, एंड साथ में हमारे पास P1 P2 हमारे पास वो दो ओवरलैपिंग वाले रीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उनका हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कुछ जो दो हमारे पास होंगे ओवरलैपिंग प्लेन तो उनके लिए फार्मूला ये है बेसिकली, एंड अगर दो से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हम लोग दिस फार्मूला कैन यूज़फुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि डिराइव पप्पूस फार्मूला इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 ये वाला फार्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला डिराइव करेंगे विद हिंट हमें दी गई है कि जो स्केच है वो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, लेबल करता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास जो हम लोग फाइंड करते हैं एक्स बार वो जिसके साथ हमें आई गिवन है, एंड साथ में दूसरे का जो है यानी दो ओवरलैपिंग के रीजन है ना, तो एक का दिया है X1 Y1 दूसरे का दिया है X2 Y2, एंड साथ में हमारे पास मोमेंट है P1 Union P2 अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए चलते हैं फाइंड करते हैं पप्पूस फार्मूला। तो हमारे पास आ गया है पप्पूस फार्मूला, ठीक है। तो पप्पूस फार्मूला हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे, हमें कुछ तो जो चीज़ें हैं वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, अब हम लोग बाकी की चीज़ों को ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग हमने फाइंड किया था फर्स्ट मोमेंट, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं mx फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे mx, ठीक है, mx हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, mx एक तो हमें गिवन है दो रीजन, तो दो रीजन क्या थे वो हमारे पास थे P1 एंड Union P2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है P1 Union P2 का रीजन है, ठीक है, दो ओवर नॉन लैपिंग रीजन थे हमारे पास। तो जब दो थे तो हम लोग जाहिर बात है 1 और 2 का जो है वो क्या करेंगे ले लेंगे। तो यहाँ पर होगा P1 एंड P2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास का फर्स्ट मोमेंट का फॉर्मूला है दैट इज़ डबल इंटीग्रल R, एंड यहाँ पर हो जाएगा Y d of A। अब हमारे पास दो ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है, जब दो ओवरलैपिंग रीजन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मास है फर्स्ट मोमेंट है तो फर्स्ट मोमेंट का भी हम लोग दो दफ़ा ले लेंगे, एक वन के लिए एक दूसरे रीजन के लिए। तो यहाँ पर R हो जाएगा, R1 हो जाएगा, A d A1 हो जाएगा, प्लस हम लोग दूसरा रीजन भी ले लेंगे क्योंकि दो रीजन है, तो यहाँ पर हम लोग दो दफ़ा ले लेंगे ये। तो ये हो जाएगा AD2, और यहाँ पर जो रीजन है वो दो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो नॉन ओवरलैपिंग हमारे पास रीजन है। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा MX1 और ये बन जाएगा MX2। यानी हम लोग के पास जो MX है जो कि हमारे पास P1 Union P2 का है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास MX1 plus MX2, ठीक है, बात हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, जैसे कि हमारे पास वो होता है MX1, ठीक है, MX/MK। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, MY होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग उसको चेंज कर देंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं जो X- है दैट विल बिकम MX1 plus MX2, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, साथ में हमारे पास जो मासेस हैं जो हम लोग जिसको डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग स्मॉल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कैपिटल M ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग M1 plus M2 ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड लाइक वाइज हमारे पास जो दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं Y का, तो हम लोग वो Y को भी बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे लाइक वाइज। अब ये हमें सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिख देंगे लाइक वाइज। एंड Y- हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MY1 plus MY2 एंड साथ में डिवाइड M1 plus M2। नाउ हमारे पास जो सेंटर ऑफ मासेस हैं वो तो निकल गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे 10 हमारे पास जो C होगा वो हो जाएगा इन दोनों मासेस का सम, यानी XI इसके साथ हम लोग I लेंगे एंड प्लस Y-I। अब हमने क्या किया, C को इन दोनों के मासेस के इक्वल कर दिया, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास XI और YI जिनके इक्वल है यानी दिस एंड दिस वन, वी विल यूज़ दीज टूज, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर I भी लिखा है, तो हम लोग इन मासेस के साथ भी I लिख देंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो
तो जैसे कि हमने सी को क्या लेट किया था, सी को हमने ले लिया था एक्स और वाई का सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देंगे आई एंड प्लस वाई आई, तो आई नहीं ये जे होगा, ठीक है आई और जे ले देंगे, सही है। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लिखते हैं सी इक्वल टू एम, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एंड देन प्लस हो जाएगा हमारे पास, और हम लोग ने यहाँ पर आई लिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग आई ले लेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एम वाई वन प्लस एम वाई टू एंड डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने जे लिया था तो इधर भी हम लोग जे को पुट कर देंगे, तो ये हमने ले लिए हैं। अब अगर हम देखें तो इससे हम लोग एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ मास एम वन एम टू, तो दोनों से एम वन एम टू को कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक एम वन एंड एम टू एज अ कॉमन, नाउ वी विल गेट एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू आई प्लस एम वाई वन प्लस एम वाई टू एंड दिस विल बी जे, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो एम वन और ये जो एम टू है इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन एम वन प्लस एम टू, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। अब हमें इसमें जो है इसमें हमें क्या करना है, इसमें अब हम लोग कुछ चेंजेस लाने हैं, किस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये हमारे पास एम वन का जो सेंटर ऑफ मास है वो देगा, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम वन और सेंटर ऑफ मास एक्स वन, बिल्कुल लिख सकते हैं, देन ये भी हमारे पास हो जाएगा एम टू, ये हो जाएगा एम टू एक्स टू, यानी ये मास जो सेकेंड वाला हमारे पास मास है उसी का सेंटर ऑफ मास दे रहा है, ठीक है ये हो जाएगा, एंड देन हम लोग आई लिख देंगे, ठीक है, देन इसी के साथ भी हम लोग ये करेंगे, ये भी हमें क्या दे रहा है एम वन वाई वन का सेंटर दे रहा है प्लस एम टू वाई टू का हमें सेंटर ऑफ मास दे रहा है, साथ में हमारे पास जे हो जाएगा, ठीक है, नाउ ये सी के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो हमने क्या किया था सी और वन एम वन प्लस एम टू को हमने एज अ कॉमन ले लिया था एम वन प्लस एम टू, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने वहाँ पर स्मॉल मासेस लिख दिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमने किस चीज़ से कर दी, स्मॉल मासेस से कर दी, नाउ हम लोग मास वन वन को जो एक एक हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट पार्टिकल का मास होगा सेंटर ऑफ मास उसको एक कर देंगे एंड सेकंड पार्टिकल के मास को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वन और ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एम वन और ये हो जाएगा वाई वन का सेंटर, ठीक है, देन एम टू ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास प्लस एम टू और ये हो जाएगा वाई टू का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम लोग को पता है कि दोनों के पास क्या थे, दोनों के पास आई और जे थे, तो वो लोग हम लोग क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो एक्स वाले टर्म है दिस विल बी वाई एंड ये जो वाई वाले टर्म है दिस विल बी जे, ठीक है, तो आई और जे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अब देखें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं एम वन एंड यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं एम टू, तो वी विल टेक दीज एज कॉमन, ये वाला हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा एम वन एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास प्लस एम टू ये हो जाएगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे। अब अगर हम देखें यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया था वन बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने सी दिया था, तो क्या हमारे पास अगर m1 m2 है तो c को भी हम लिख सकते हैं c1 प्लस c2, ठीक है, तो यहाँ पर c की प्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर देंगे c1 प्लस c2, ये हो जाएगा c1 प्लस c2, अब ये वाला हमारे पास वहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास c1 m1 प्लस c2 m2, ठीक है, एंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारे पास ये रह जाएगा, इसको हम लोग मल्टी डिवाइड कर देंगे m1
प्लस एम टू से, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे एम वन प्लस एम टू से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस एक्स टू आई प्लस वाई टू जे, ठीक है। और अगर अब देखें तो हमारे पास ये क्या हो गया है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फाइंड हो चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पप्पूज फार्मूला। जैसे कि ये, अच्छा ये जो है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सी के इक्वल है, क्योंकि हमने सी को शुरू में क्या लिया था, एक्स आई एक्स जो सेंटर ऑफ मास है वो एन प्लस सेंटर ऑफ मास है जे का, तो ये हमारे पास सी के इक्वल है। तो हम लोग इसको आखिर में प्रेजेंट कर देंगे, सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सी वन एम वन प्लस सी टू एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। इसी को हम लोग कहते हैं पप्पूज फार्मूला। और हमारा जो फार्मूला है वो फाइंड हो चुका है, एंड क्वेश्चन का जो हमारे पास एक पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।